जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो इंतजार जो चल रहा था कुछ आमिला की हंगामी मीटिंग तलब करें हम लोग, और हमारे दिल में किसी के बारे में कुछ नहीं है, और जो भी पर्सनल पे है जैसा मंसूर चौधरी हो या कोई भी हो, हमारे हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे नहीं, और जातियत पे किसी से बात नहीं करना है। हमारा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं हमारे से, और हम आप लोगों के साथ हैं। आप भी कुछ है तो आइए, दरगुजर करिए, हम जमात खाने को आइए, मिलिए, जहाँ मिलते मिलिए, आइए जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हम लोग जो इंतजार चल रहा था कि रीज़न देना है, वो देना है, ये सब रीज़न तो हम किसी को देने का सवाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डिसॉल्व कर सकते हैं, मगर वो भी जो है ना, आज पूरे 97 मेंबर में 80 मेंबर से ज़्यादा लोग आके हिम्मत अफजाई करें, यहाँ पर हिम्मत अफजाई करके जो है ना, यहाँ पर जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब और हमारे होदेदार पूरे सरपरस्त जो हमारे बशीर भाई है, साबिर भाई है, हमारे ऑल इंडिया जमतुल कुरैश के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने, और रहमान अली साहब है, बशीर साहब है, पाशा भाई नामपल्ली है, और अतीक है, बहुत से लोग हैं, और हमारे जितने भी ब्रादरी के भाई लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, पूरे वन सेट आ गए, आकर जो है ना इस्तकबाल करें और बोले कि नहीं, आप नहीं छोड़ सकते जमात को, आप रहना है, आपके साथ हम हैं, आपके कंधे को कंधा लगा के काम करेंगे, और हम भी जो है उसी तरीके से 14 साल से हम भी जो है ना काम करते आ रहे हैं। अल्लाह के करम से कई फ्लाई बहबूद के काम होते हैं यहाँ पर जमात में। पहले जो है 200 बेवाएँ थे तो 200 रुपये देते थे, एक ज़माने में जब इनकम कम थी, हम जब आए खुद 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ऐसा कुछ इनकम थी, तो हम आने के बाद करीब 20 लाख को टच हो गए इनकम, अल्लाह का करम है। तो फिर हम आने के बाद 500 करे, फिर आज 1000 रुपये देना शुरू कर दिए हमारी जमेतुल कुरैश हैदराबाद, क्योंकि मेरे भाई आज हम सदर है कल नहीं है, मगर आपस में इंतजार नहीं करना है, सब मिलके भाई भाई बोल के रहना है और सदर का एहतराम करना है। मैं ही हूँ आज सदर या कल और कोई है, मगर सदर का ही आप ये नहीं करेंगे तो फिर बाहर कोई वैल्यू बिरादरी की नहीं रहेंगी। बिरादरी का आपको विखार रखना है तो आप ये सब चीज़ें बंद करना है, आप सब मिलके जो है ना भाई भाई बोल के काम करना है। सब चीज़ अगर मैं भी कुछ बोला तो उसको दरगुजर कर दिया, मैं भी दिल से माफ़ कर दिया हर चीज़ को। आप लोग भी ये करके ये क्लिपा वगैरह बंद करिए, आप लोग आके गले लगिए, काम करिए, हम आपके साथ हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं आगे बढ़िए, हम भी आपको इंकरेज करेंगे, आप भी करिए, हम भी करिए, हमारे मेम्बर्स होदेदार सब बिरादरी के हर फर्द का काम है, सब मिलके काम करना है। छोटे मोटे गलतियाँ किसी से भी होते हैं, उसकी छोड़ दीजिए, उसको दरगुजर कर दिए, हम भी हमारे दिल में नहीं रखते हम। और जो भी गवर्नमेंट से मराहत लेना है हमारी बिरादरी के लिए, जो भी जानवरों के लिए है या स्लाटर हाउसों के लिए है, कुछ भी है, तो हम बराबर जमात के साथ है और गवर्नमेंट से भी हम सपोर्ट लेके हमारे जो जानवर का आज जो इंतजार पैदा कर रहे, कुर्बानी के जानवर है या जो भी है, इसके लिए लोग हरासमेंट कर रहे, बजरंग दल बीजेपी वाले, ये चीज़ को भी हम रुकाने के लिए होम मिनिस्टर साहब को भी दिए, इससे पहले सीएम साहब को बोल के डीजीपी को फ़ोन कराए हम, और फिर परसों एडिशनल डीजी लैन ऑर्डर साहब को भी हम बात करें, फिर होम मिनिस्टर साहब से बात करें, वो तो आप लोग देख रहे होंगे, मगर आज भी डेली मॉनिटर करता हूँ मैं, जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्टों में माल रोक रहे वहाँ पर जो है ना, हम एसपी से, डीसीपी से, कमिश्नर साइबराबाद, कमिश्नर रचाकुंडा, हैदराबाद कमिश्नर, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, सबको जो है ना हम लोग बात करते रहते हैं। इमीडिएट अल्लाह का करम ये है कि हम जहाँ पर भी फ़ोन उठा के बात करते हैं वहाँ पर अल्लाह का करम है, काम हो जाता, क्योंकि इल्लीगल काम में हम भी सपोर्ट नहीं करते। लीगल है बैल लेके आना और भैंस लेके आना, ये लीगल है, इसको नहीं रोक सकते, पूरे इंडिया लेवल पर नहीं रोक सकते, कानून में ऑक्स और बफलों को जो है ना कोई रोक नहीं सकते, मगर इसमें कुछ इंतजार लोग जो है ना, बीजेपी बजरंग दल के लोग, वीएसपी के लोग हरासमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं पुलिस से भी अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इनके ऊपर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, कानून को हाथ में ये लोग नहीं ले सकते। जैसा कि आप बगैर नंबर की गाड़ी है तो आप चालान कर रहे, हेलमेट नहीं है तो चालान कर रहे, वैसा अगर हमारे लोग भी जो जानवर ला रहे उनको अगर कुछ गलती है तो चालान करके आप गाड़ी छोड़ दीजिए, गाड़ी रोक नहीं सकते, ऐसा रोक के आप गौशाला में उतार नहीं सकते, गौशाला में उतार के पीछे से फिर सेल कर ले रहे आप लोग, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप इसके लिए चालान करके गाड़ी छोड़ दे सकते हैं स्पॉट पे।
ये नहीं कि डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर गांव में कहां से आएगा, वो फिट फॉर स्लॉटर बोल रहे। अरे भाई, स्लॉटर हाउस को आने के बाद यहाँ वेटनरी डॉक्टर रहता स्लॉटर हाउस में, उन्हें जो है ना उसको रोक सकता उन्हें। अब रस्ते में जो है ना हो सकता उन्हें पालने लेके जा रहा, हो सकता काटने ले जा रहा, कहीं को ले जा रहा नहीं मालूम। रस्ते में रोक ही नहीं सकता, ऐसा कोई कानून ही नहीं है रस्ते में रोकने का। भाई पुलिस ऑफिसरों से भी अपील कर रहा हूँ कि जो है ना आप लोग जो हक की बात है, जो लीगल है, उसके लिए साथ दीजिए। ये बजरंग दल VHP ये लोगों का साथ नहीं देना है आप लोगों को। ये लोग गुंडागर्दी करके लारी ड्राइवर के चाबी खींच ले रहे, मार रहे, वहाँ पर हरासमेंट कर रहे, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मैं गवर्नमेंट में रह के मैं गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ठहरो भाई, तो ये इसको सियासी प्लेटफॉर्म बनाना नहीं है हमारे को। हम गरीब आवाम के लिए KCR साहब भी जो काम कर रहे हैं, मैं KCR साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे SS साहब वगैरह ये लोग जो है ना सब नुमाइंदगी करते हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, MIM का भी, क्योंकि सब मिलकर जो है ना काम करना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे तेलंगाना स्टेट में इंतजार नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तेलंगाना स्टेट पूरे इंडिया में नंबर वन स्टेट है यहाँ पर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के चलने वाला स्टेट है। यहाँ पर जो है ना कुछ सरपंच जिंदे लोग आके इंतजार कर रहे हैं, इसको कंडम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करना चाहिए। और जो है ना हमारे कुरेश बिरादरी हो या फार्मर जो भी लाके सेल कर रहे हैं, उनको हरासमेंट करेंगे तो फिर हम लोग भी जो है ना खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह ताला CM साहब से भी बात करके इसको जो है ना उन लोगों को अरेस्ट करने का काम कराएंगे हम। ये 2 महीने से भी नहीं है, कुछ लोगों को सदर बनना है तो वो लोग जो है ना पीछे से लोगों को 4-6 बच्चों को लगा के ये कर रहे थे, मगर बनना है तो बनो भाई, हम इतराज नहीं कर रहे, मगर जमात बोलना है ना, पूरी पूरी बिरादरी बोलना है। ये 8-10 जनों की जमात नहीं है, ये जमात जो है करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग है जमात में, और इम्पोर्टेंट मेंबर हर जगह से, सिकंदराबाद हैदराबाद सब जगह से मिला के 100 मेंबर बॉडी के, 106 मेंबर थे, जिसमें 9 मेंबर का इंतकाल हुआ, 97 मेंबर है। 97 मेंबर में आज 80 मेंबर के ऊपर पूरे इत्तेमाद का वोट दिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करे यहाँ पर, उसमें जो है ना पूरे लोग हाथ उठा के मैं बोला आज बोलो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, बोला मैं आज जिसको खड़ा करना है खड़ो बोला मैं, मगर ठहरिए मैं जान बोले नहीं जा सकते आप रहना है बोल के सबका इत्तेफाकी राय से सबके प्रेशर पे मैं बोला ठीक है कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी 2.5 साल की म्याद है, क्योंकि इलेक्शन जब हुआ तो ICM आके नहीं बैठे, बाजाफ्ता इलेक्शन कराए, उसमें 4 ऑफिसर थे, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह सबको बिठा के जो ना इलेक्शन हुआ, कोई ऐसी घर में बैठ के आगे बैठ गए प्रेशर में आके, हम नहीं पूरे जमात के लोग जो है ना इत्तेफाकी की राय से यूनानिमस इलेक्ट करे मेरे को, तो मैं उसलिए कबूल करके जो ना हम काम कर रहे। ये नहीं कि भाई हमेशा हम ही बोल के नहीं, सबको मौका देना है, मेरे को भी मालूम है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर कोई ठहरना है तो आइए ठहरिए बैठिए, आप इलेक्शन में ठहरिए, इंतजार मत करिए। ये जमात एक अलग है, ये जमीतुल कुरैश हैदराबाद 74 में कायम हुई, उससे पहले और 5-6 साल पहले कायम हुई थी। मुर्तुजा साहब इसके बानी थे, हमारे गौस साहब थे, उस्मान साहब थे, हाजी उस्मान साहब, ये लोग थे जो गौस साहब लास्ट जो सदर थे, उन्होंने खुद बुला के उन्होंने जनरल सेक्रेटरी याकूब साहब, ये मुइन बाबू चौधरी साहब, ये लोग खुद ये करके आप बैठना है यहाँ पर, आपका गवर्नमेंट में भी अच्छा है, हर जगह है, अब एक ऑनेस्टली है, आप अच्छा काम करेंगे, जमात को डेवलप करेंगे बोले, और वो डेवलपमेंट करके भी बताएं हम इंशाल्लाह ताला।